आरएमसी कॉन्सेप्ट सीरीज का आज है डे नंबर 25 और आज हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम देखेंगे। टाइम एंड वर्क हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा था और बच्चों की डिमांड भी थी, सर आप हमें पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ाएं। देखिए पाइप्स एंड सिस्टम का भी केस सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही है, ठीक है। वही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो भी सारी कैलकुलेशंस होगी वो यूनिट टाइम वर्क के साथ होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लोगे तो वो यूनिट टाइम वर्क आ जाएगा एंड इट्स वाइसी वर्सा ऑल्सो। यूनिट टाइम वर्क का रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल टाइम आता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बस थोड़ा सा आपको ये बताना है कि जिसे यहाँ पर बस केस क्या बदल जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, सपोज ये आपका कोई टैंक है, पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। पाइप का मतलब कोई भी टैप नलका जिसे हम बोलते हैं, और सिस्टम मतलब कोई भी टैंक आप इसे समझ सकते हो। जैसे टैप ए हमें दिया है, टैप ए का काम क्या है, इस टैंक को भरना, इस बकेट को भरना या इस सिस्टम को भरना। और सपोज अगर टैप ए 10 आवर्स ले रहा है इस बकेट को भरने में, तो 10 आवर्स का मतलब क्या है कि 10 आवर्स में वो इस पूरे पार्ट को, इस पूरे टैंक के पार्ट को भर देगा, ठीक है, ओके। और हमारा काम ही है इस टैंक को भरना यहाँ पर। उसी तरीके से अगर हमें टैप बी भी दिया है, सपोज टैप बी क्या कर रहा है, 6 आवर्स में इस टैप को भर रहा है, इस टैंक को भर रहा है 6 आवर्स में, ठीक है। तो टैप बी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे काम को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। अगर मैं दोनों नल को ऑन कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरे टैंक को भरेंगे, तो मेरा काम ही है टैंक को भरना। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी रहता है, टैप सी विच इज़ नथिंग बट लीकेज। टैप सी क्या कर रहा है, टैप सी सपोज 20 आवर्स में इसको खाली कर रहा है, इस पूरे टैंक को। इट इज़ द टोटल टाइम गिवन टू यू, ओके, एंड इट इज़ नथिंग बट द आउटफ्लो, और वी कॉल इट लीकेज ऑल्सो। इनको हम लोग इनलेट भी बोलते हैं, इसको आउटलेट भी बोलते हैं। आउटलेट बोलो, आउटफ्लो बोलो, इनको हम इनलेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी मेरा आउटलेट होगा वो मेरे काम को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे। जैसे अगर ऑल द टैप्स आर ओपन, सपोज अगर ए बी और सी तीनों ही ओपन है, तो कितने घंटे में ये टैंक भरेगा। हमने प्लस सी किया, आपने कहा सर आपने प्लस सी कैसे कर दिया, वो तो लीकेज है। हमने प्लस सी इसलिए किया है कि सिर्फ आपको बताने के लिए दैट ऑल द टैप्स आर ऑन। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान रखना, अच्छा ए का यूनिट टाइम वर्क इज गोइंग टू बी 1/10 प्लस बी का 1/6, लेकिन सी का कितना है 1/20, तो वो -1/20 आप लिखोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो लीकेज वाला पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट होता है, भले हम उसके वेरिएबल्स के साथ ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपको। इस क्वेश्चन में देर इज अ टैंक गिवन टू यू और एक पाइप उसे भर सकता है। देर इज अ पाइप ए सपोज, ठीक है, तो पाइप ए इसको भर रहा है 15 आवर्स में, ओके। एंड ड्यू टू अ लीक मतलब एक आउटलेट भी है, इसको मैं पाइप बी बोलता हूँ, पाइप बी, और एक आउटलेट है जो इसको खाली करता है, उसके बारे में नहीं दिया है। तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज वो एक्स आवर्स में इसको खाली करता है, और साफ साफ ये कहा गया है ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड, मतलब पानी। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि टैप ए बी या पाइप ए बी ओपन है और पाइप बी भी ओपन है, बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, तब वो 20 घंटे ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीकेज की वजह से मतलब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, लीकेज भी काम कर रहा है, और ए और बी जब दोनों काम कर रहे हैं तो ए और बी जब दोनों काम कर रहे हैं तो 20 घंटे लिया जा रहा है, ओके। इसका मतलब क्या, अगर मैं यूनिट टाइम वर्क निकालूं तो ए की वैल्यू रख लेता हूं, ए इज 1/15। अच्छा, इसमें प्लस बी का मतलब क्या है कि पाइप बी इज ऑल्सो ओपन बट इट इज अ लीकेज। याद रखना कि ये लीकेज है, लीकेज को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1/x करूंगा मैं, यूनिट टाइम वर्क रख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1/20। और आपको निकालने के अल्टीमेटली दैट इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, मतलब आपसे ये पूछा गया कि पाइप भी इस टैंक को कितने आवर्स में एम्प्टी करेगा। तो आपको x की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। सो x इज गोइंग टू बी 1/x इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/15 -1/20, ओके। तो द एलसीएम इज गोइंग टू बी 60, 15 4 टाइम्स 23 टाइम्स, तो 1/60 का मतलब क्या है, x की वैल्यू आ गई 60 आवर्स। इसका मतलब अगर ये टैंक कंप्लीट फुल हो जाए तो सिर्फ पाइप बी या सिर्फ लीकेज इसे 60 आवर्स में खाली कर देगा, ओके। तो हमेशा याद रखना कि किस तरीके से आप लीकेज को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो हमारे वर्क को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यही एक डिफरेंस है पाइप्स एंड सिस्टम में। उसके अलावा जो जो लॉजिक हमने
जो जो लॉजिक हमने टाइम एंड वर्क में देखे हैं वही सारे लॉजिक अप्लाई होंगे पाइप्स एंड सिस्टम में भी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.